वही हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में लग रही नुमाइश में शिकायतों की नुमाइश शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट को भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रताप रैकवाल ने ज्ञापन देकर प्रवेश शुल्क को अत्यधिक होने की बात कही है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से मांग की कि आम जनमानस के लिए लगाई जाने वाली नुमाइश प्रदर्शनी में टिकट बहुत महंगा है, जिस कारण लोग अपने बच्चों को नुमाइश नहीं ले जा पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में लगे झूलों में सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे नहीं है, जिस कारण वहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये मामला ऐसा है कि जो यहाँ पे इस टाइम नुमाइश लगी हुई है उसमें बहुत सारी अराजकताएँ हैं, क्योंकि महिलाओं और बच्चों का जाना सबसे ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत कर रहा है। पहले तो वहाँ पे मारपीट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे महिलाएं नहीं जा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि एक जाना जाएगा तो भी 300-400 रुपये उसके बाहर ही खर्च हो जा रहे हैं, उसके बाद वो अंदर भी करेगा तो उनका बजट भी बिगड़ जाता है, तो वो नुमाइश क्यों जाएंगे? मनोरंजन के लिए हैं, तो हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास इसलिए आए हैं कि वो मिनिमम करें जिससे लोग वहाँ पे जा सकें और जो अराजकताएँ फैली हुई हैं उसको दूर कराएं, और जो पार्किंग का जो उन्होंने शुल्क है और उसके साथ साथ जो पार्किंग बाहर लग जा रही है उसको अंदर शिफ्ट कराएं, प्रॉपरली कराएं और सही व्यक्ति को उस चीज़ को सौंपें। जैसे कि आपको विदित ही होगा कि हल्द्वानी में विकास प्रदर्शनी जो कि नुमाइश कहते हैं आम जन मानस के लिए लगती है, और यहाँ पर जो नुमाइश चला रहे हैं उन्होंने अत्यधिक किराए की बढ़ोतरी की है। चाहे वो आप प्रवेश की बात करें या विभिन्न झूले जो वहाँ लगे हुए हैं, वो मनोरंजन जो आम व्यक्ति का एक अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक आम व्यक्ति अगर अपने 4-5 बच्चों को लेके परिवार को लेके जाएगा तो उसके 2-250 रुपये तो किराए में ही प्रवेश करने में ही लग जाएंगे, अन्य झूले वगैरह का वो कैसे सोच नहीं सकता। तो इसके लिए आज यह ज्ञापन माननीय हमारे सिटी मजिस्ट्रेट जी को दिया है कि इस विषय में संज्ञान लें और इसको अपने स्तर से कम कराने का प्रयास करेंगे।